हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के डिस्कशन में। आज हम लोग चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप सेकंड चैप्टर वर्स नंबर 47। इस श्लोक पे कल भी हमने चर्चा किया था। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूः मात्य संगोस्त टू अकर्मणि। यू हैव अ राइट टू परफॉर्म योर प्रिस्क्राइब ड्यूटी बट यू आर नॉट इंटाइटल्ड टू द फ्रूट्स ऑफ एक्शन। नेवर कंसिडर योर सेल्फ द कॉज ऑफ द रिजल्ट ऑफ योर एक्टिविटीज एंड नेवर बी अटैच टू नॉट डूइंग योर ड्यूटी। तो इस श्लोक में भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि हमको भगवान अपनी कृपा से कृपा करके हमारे उनको कुछ प्रिस्क्राइब ड्यूटीज या निर्धारित कर्तव्य देते हैं करने के लिए और फिर उसके अनुसार हमको फल प्रदान करते हैं। लेकिन माँ कर्म फल हेतुर्भूर इस जो लाइन यहाँ पे मान बोल रहे हैं कि कभी भी अपने आप को फल कर्म फल यानी अपने कर्म के फलों का हेतु कॉज नहीं समझना चाहिए, कारण नहीं समझना चाहिए। कदाचन एट एनी टाइम, क्यों? क्योंकि जो हम कर्म करते हैं कर्तव्य करते हैं तो उससे हमको कुछ फल प्राप्त होता है, लेकिन वो कार्य करने से फल मिल रहा है ऐसा सोचना गलत है। वो कार्य करने के बाद भी हो सकता है हम फल ना प्राप्त करें और उसमें जो है भगवान को हम दोष नहीं दे सकते। मैंने किया कर्म लेकिन फिर भी मैंने कर्म किया लेकिन फिर भी मुझे फल नहीं मिला, फल मिलना ही चाहिए, ऐसा नहीं है। जब हम किसी कंपनी में काम करता है कोई व्यक्ति तो जॉब करता है, जॉब करता है तो उसका उसको सैलरी मिलता है, पैसा मिलता है, तो वहाँ पे वो जितने घंटा है जितने दिन कार्य किया उस कार्य को करने का उसको पैसा मिलता है, वो उसका अधिकार है। कर्म फल हेतु, हेतु मतलब कारण, के कर्म का यानी जॉब करने का जो उसको सैलरी मिला उसका हेतु उसका कारण है कि उसने जॉब किया कर्म किया। लेकिन ये चीज जब हम संसार में रह के कार्य करते हैं जब कर्म कर्मण्येव अधिकारस्ते भगवान जो इस कर्म की बात कर रहे हैं तो उसमें ये अप्लाई नहीं होता है, उसके उसमें ये अप्लाई नहीं होता है। जॉब करने से हमको सैलरी मिलना ये कारण है, मिलना ही चाहिए, नहीं मिलेगा तो वो जो व्यक्ति है जिसके हमने जॉब किया है तो वो दोषी कहलाएगा, वो तो दोषी ठहरेगा, क्योंकि वहां पे हम कुछ कार्य कर रहे हैं तो उस व्यक्ति के लाभ के लिए कर रहे हैं, उसको कुछ उसे लाभ मिल रहा है और वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट स्वतंत्र नहीं है, वो अपने एम्प्लॉयज पे निर्भर है और उनके करने के कारण ही उसका धंधा बढ़ रहा है और वो कुछ पैसे जो है फल प्राप्त कर रहा है, इसलिए उसका पार्टनरशिप यानी उसका कुछ अंश यथा जैसे जितनी मात्रा में जिस व्यक्ति ने उसके लिए नौकरी किया है उतनी मात्रा में उसको वो फल लेने के लिए वो योग्य बनता है। लेकिन जब हम कर्म करते हैं और इस संसार में हमको जो फल मिलता है उस केस में ऐसा अप्लाई नहीं होता कि हमारे द्वारा जो कर्म किया जाता है वो उससे भगवान को कुछ लाभ नहीं मिलता है, यानी हमने कोई कर्म किया इसके कारण वो परिणाम मिल रहा है ऐसा सोचना गलत है, इसलिए हम उसके शेयर होल्डर नहीं बनते। ये मतलब है यहाँ पे माँ कर्म फल हेतुर्भूर, यानी हम जो भी कर्म करते हैं उसके कारण हमको जो लाभ मिलता है वो भगवान की कृपा से बनना चाहिए कि भगवान कृपा करके देते हैं। जैसे कल मैं उदाहरण दे रहा था कि जब माँ बाप अपने छोटे बच्चे को बोलते हैं कि तुम अगर 1 घंटा पढ़ाई करोगे तो तुमको हम एक ये पेड़ा देंगे या लड्डू देंगे खाने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि बच्चे ने जो 1 घंटा पढ़ाई किया उसके कारण माँ बाप को कुछ लड्डू प्राप्त हो गए, 5 लड्डू प्राप्त हो गया तो इसलिए उसमें से 1 लड्डू एज ए सैलरी सैलरी के रूप में बच्चे को दे देते हैं या देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अगर वो पढ़ाई वो बच्चा 1 घंटा पढ़ाई नहीं भी करेगा, पढ़ाई करने का कर्म नहीं भी करेगा तो भी लड्डू तो माँ बाप का उनका तो है ना, उनके पास तो रहेगा ही, वो कृपा करके उसको दे रहे हैं,
क्योंकि उसकी इच्छा है लड्डू खाने की, लेकिन वो बोलते हैं कि ठीक है तुम लड्डू खाना चाहते हो, पढ़ाई करोगे तो लड्डू खिलाएंगे। उसी प्रकार से इस भौतिक संसार में जीवात्माओं को इच्छा है भोग करने की, तो भगवान वो भोग करने की वस्तु देने के लिए तैयार हैं, लेकिन भगवान ये शर्त रखते हैं कि कर्म करके वो भोग की वस्तु प्राप्त करे। क्यों? क्योंकि जब कर्म करेगा व्यक्ति तो उससे वो धीरे धीरे उसका जो चेतना है वो शुद्धिकरण की तरफ जाएगा। कर्म का मतलब क्या होता है? कार्य करना नहीं, तो कल हमने चर्चा किया था, कुछ लोग हो सकता नए होंगे, मैं वापस से बता देता हूँ कि कर्म का मतलब होता है भगवान प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, प्रभुपाद जी अनुवाद कर रहे हैं प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, भगवान के आदेश अनुसार कार्य करने को कर्म बोला जाता है या पुण्य भी बोलते हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान के डायरेक्शन पे जब कोई कार्य करता है उसको कर्म बोलते हैं। जो अपने मनमाने ढंग से कोई कार्य करता है भले ईमानदारी का कार्य करे उसको क्या बोलते हैं? विकर्म बोलते हैं, पाप बोलते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना वो बोलते हैं कि हम तो अपना हम कर्मयोगी हैं, कर्मयोगी नहीं है विकर्म योगी। स्वीकार कर लेना चाहिए कि हम विकर्म योगी, विकर्म मतलब पाप। जो कई लोग बोलते हैं कि हम कर्म योगी हैं, हम कर्म करते हैं बस, हमको भगवान का पूजा भगवान को स्वीकार करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि गीता का भी यही संदेश है कर्म करते जा फल की चिंता मत। कल हमने इस पे विस्तार से चर्चा किया था, लेकिन वास्तव में वो कर्म नहीं कर रहे हैं, वो विकर्म कर रहे हैं, क्योंकि कर्म का मतलब ही होता है भगवान के आदेशानुसार कार्य करना, उसको कर्म बोलते हैं। तो इस प्रकार से जब कोई कर्म करता है तो भगवान उसको फल देने के लिए तैयार, ये फल आप ले लो, लेकिन कोई कर्म करके ये डिमांड नहीं कर सकता कि मुझे फल आप देंगे ही देंगे, मतलब फल मिलना ही चाहिए, उसको कर्म मीमांसा फिलॉसफी बोलते हैं। ये एक प्रकार की नास्तिक फिलॉसफी है, नास्तिक सिद्धांत है, जिसमें व्यक्ति इसमें दो प्रकार से वो तर्क देते हैं। पहली बात तो बोलते हैं कि कोई भगवान भगवान नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है, हम जैसा कार्य करेंगे उससे हमको फल मिलता है, सब अपना ही करते हैं और अपना ही बनाते हैं फल भोगते हैं, जो कि गलत है। फिर दूसरा वो इसका सेकंड वर्जन प्रस्तुत करते हैं कि अगर भगवान है भी तो अगर हम कार्य करेंगे तो भगवान हमको देंगे ही देंगे, मतलब देना ही पड़ेगा, वो बाध्य है, तो इसको कर्म मीमांसा बोला जाता है, जो कि गलत सिद्धांत है, ऐसा सत्य नहीं है। भगवान, हालांकि कोई व्यक्ति शास्त्र के अनुसार अगर कर्म करता है तो भगवान उसको फल देते हैं, लेकिन भगवान बाध्य नहीं, भगवान उस प्रकार से नहीं है कि वो कंपनी के मालिक हैं और आप उनके अंडर में एम्प्लॉय बन गए तो कंपनी के अनुसार आप कार्य करते जाओगे तो कंपनी के मालिक को सैलरी देना ही पड़ेगा, अगर नहीं दिया तो फिर आप उसके खिलाफ केस कर सकते हो, ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर कोई भगवान के खिलाफ केस भी करने जाएगा तो कोर्ट में कौन बैठा है? भगवान ही बैठे हैं। तो आप बोलेंगे दादागिरी है? दादागिरी नहीं है, ये ऑलरेडी जैसे मैं समझाया कि जब माँ बाप छोटे बच्चे को बोलते हैं तुम 1 घंटा पढ़ाई करोगे तो हम आपको एक लड्डू देंगे, तो पढ़ाई करेगा तो उसको प्रेम से लड्डू खिलाएंगे, लेकिन वो लड्डू पैदा नहीं हुआ बच्चे के पढ़ाई करने से। उसी प्रकार से इस संसार में कोई व्यक्ति कुछ कुछ भी कार्य करता है, कर्म करता है, तो कर्म करने से फल नहीं बन रहा है। जैसे केवल जो व्यक्ति खेती करता है तो खेती करने से अनाज नहीं उत्पन्न हो रहा है। आप बोलेंगे नहीं, गलत बोल रहे हैं, खेती करेगा तभी तो अनाज उत्पन्न होगा, खेती करेगा तभी अनाज उत्पन्न होगा, लेकिन खेती करने से अनाज उत्पन्न हो रहा है ये गलत फहमी, भगवान की कृपा से अनाज उत्पन्न होता है। भगवान अगर बारिश नहीं देंगे, भगवान अगर बीज नहीं देंगे, भगवान धरती में वो उत्पादकता नहीं देंगे, तो कोई कितना भी खेती करता रहे अनाज होगा क्या? तो भगवान ही देते हैं अनाज। तो इस प्रकार से ये माँ कर्म फल हेतु, इस लाइन का ये मतलब। तो इससे क्या होना चाहिए कि हमको विनम्रता पूर्वक कृतज्ञता प्रकट करना चाहिए भगवान के ऊपर, कि हालांकि हम हमारे अंदर भोग करने की प्रवृत्ति है और भगवान इतने दयालु हैं तो इस भोग करने की प्रवृत्ति को भी टेक केयर करते हुए हमको आगे बढ़ाना चाहते हैं, भक्ति जीवन में स्वीकार करना चाहते हैं, इसलिए भगवान ने ये अलग अलग कर्म को डिजाइन किए हैं वैदिक शास्त्र में, कर्म कांड जिसको बोलते हैं या कर्म बोलते हैं। यही कर्म कांड जब एडवांस होता है, एडवांस वर्जन ऑफ कर्म कांड इस कर्म योग, फिर कर्म योग में बनता है। कर्म कांड में व्यक्ति तो केवल एक ही कार्य करता है, वो करता जाता है और फल लेता जाता है, भोगता जाता है, उसको कोई मतलब ही नहीं। जैसे वो उस बच्चे की तरह हो गया जो कि अभी जान गया है कि 1 घंटा पढ़ाई करूंगा लड्डू मिलेगा, तो उसको कोई लेना देना नहीं है माँ बाप से, वो बस 1 घंटा पढ़ेगा, बोलेगा लो लड्डू दो, लड्डू दो मुझे, फिर लड्डू खाएगा, फिर पढ़ेगा, फिर लड्डू खाएगा, उसको मतलब नहीं है कि मेरे माँ बाप मेरे ऊपर कृपा करके इतना प्रेम करते इसलिए लड्डू दे रहे हैं। लेकिन जब वही बच्चा ये समझेगा कि हाँ मेरे माँ बाप चाहते हैं कि मैं पढ़ाई करूँ और मुझे मेरा इच्छा है लड्डू खाने का इसलिए वो दे देते हैं, तो उनकी कृपा है, तो इसको कर्म योग बोलते हैं।
कर्म कांड में व्यक्ति बस जो रीति रिवाज है वही करने में, कर्म है, ज्ञान है, यज्ञ है, दान है, तपस्या है, अलग 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 प्रकार के कर्म है। कर्म मतलब वैदिक शास्त्रों के अनुसार जो विधि विधान है, कर्म कर्तव्य है, उनका पालन करते जाता है। भगवान के प्रति कृतज्ञता का भाव नहीं होता है, भगवान कृपा कर रहे हैं मेरे ऊपर, ये भाव नहीं होता है, और इसीलिए वो बस कर्म करता है और जो फल मिलता है उसको भोगता जाता है। इस प्रकार से पुण्य करता है फल भोगता है, पुण्य करता है फल भोगता है, इसको कर्म कांड बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो बुद्धि योग का भाग आया है, यहाँ ये बुद्धि योग है, इस सेक्शन का नाम ये बुद्धि योग। तो यहाँ पे ये जो कर्म नियम अधिकार से कौन बता रहे हैं ना, ये वास्तव में भक्ति योग है। इसलिए इस श्लोक का कोई भी गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि इस श्लोक के माध्यम से लोग जो बोलते हैं कर्म ही पूजा है, हम कर्म योगी हैं, बस कर्म करते जाओ, कोई भगवान को पूजा करने की जरूरत नहीं है। वास्तव में ये गलत सिद्धांत है। कर्म करके हमको भगवान के प्रति जब कृतज्ञता के भाव से हम भगवान को स्वीकार करते हैं कि भगवान आप बड़े दयालु हैं, आपकी कृपा से सब कुछ मुझे मिल रहा है, मेरा मेरा जो प्रवृत्ति था, मेरा तो इच्छा है भौतिक भोग करने की, कर्म करने की, तो उस प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए मेरे को वो भौतिक भोग करने की वस्तु भी आप दे रहे हैं, और साथ ही साथ में आपने इस प्रकार से डिजाइन किया है वैदिक शास्त्र के कर्तव्य, ताकि मैं धीरे धीरे भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकूं, संसार से विरक्त हो सकूं, तो ये आपकी महान कृपा है। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वही वास्तव में इस कर्म योगी होता है और कर्म योग का फायदा उठा पाता है और वो आगे एडवांस कर पाता है, आगे बढ़ पाता है। और जो दूसरे प्रकार के व्यक्ति होते हैं जो अपने कर्म को ही फल प्राप्त करने का हेतु समझते हैं, वो ऐसे लोग जो है वो क्रमशः धीरे धीरे और फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि जब फल नहीं आता है तो वो फिर कर्म को भी त्याग देते हैं। इसलिए अगले लाइन में कौन बोल रहे हैं, माते संग वस्तु अकर्मणि एंड नेवर बी अटैच्ड टू नॉट डूइंग योर ड्यूटी। फल पे चिंता करने के बजाय हमको ड्यूटी कर्तव्य पे ध्यान में रखते हुए कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अगर हम ये समझेंगे कि हमको जो फल मिलता है संसार में, कुछ भी प्राप्त होता है, ऐश्वर्य, धन संपत्ति, नाम प्रतिष्ठा, जो भी है, वो हमारे द्वारा कर्म करने से प्राप्त नहीं होता है, भगवान की कृपा से प्राप्त होता है, जो कि सत्य है, सही है, तब हम अपने नेवर बी अटैच टू नॉट डूइंग योर ड्यूटी, यानी हम कभी भी ना कर्म को ना करने के प्रति आसक्त नहीं होते, मतलब कर्म को त्यागने के लिए हम प्रेरित नहीं होते, और हम हमेशा कर्म को करेंगे कर्म को करने के लिए। इसीलिए ये निष्कर्ष है श्लोक का कि वन शुड परफॉर्म वंस ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ परफॉर्मिंग द ड्यूटी, नॉट फॉर द सेक ऑफ एक्वायरिंग सम रिजल्ट। कि व्यक्ति को अपना कर्म करना चाहिए, कर्म मतलब भगवान के द्वारा जो दिए गए आदेश हैं, और विशेष रूप से हम सब के लिए जो कृष्णा कॉन्शियसनेस के मेंबर्स हैं, भगवद गीता में जो आदेश प्राप्त हुआ है हमको कि भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान का सेवा करना चाहिए, भगवान के लिए कुछ अर्पण करना चाहिए, यत करो से यद असना से यद जुलूस ददा से तत् तपस्व कुरु मद अर्पणम। तो भगवान के लिए जो भी आदेश हमको प्राप्त हुआ है भगवान से गीता में, तो उसको हमको करना चाहिए एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी, कि भगवान कृपा करके मुझे इतना सब कुछ दे रहे हैं, भगवान कृपा करके मेरी भौतिक भोग को भी संतुष्ट करने के लिए तैयार है, और साथ ही साथ में फिर अपने चरण कमलों में स्वीकार करने को तैयार है, तो उस भाव से हमको उस भगवान का सेवा करते रहना चाहिए, और ना कि कभी हम वो सेवा या कर्म करते हुए हमको फल, जो हम फल चाहते हैं वो कभी नहीं मिलता है या कम मिलता है, तो उस पर विचार करते हुए कर्म को त्यागना नहीं चाहिए। ऐसा ही व्यक्ति जो है केवल अपने कर्तव्य का सही तरीके से पालन कर सकता है। अर्जुन भगवद गीता सुनने के पहले जो अर्जुन था, वो कर्म को करने के फल पे विचार करते हुए कर्म करने के लिए प्रेरित हो रहा था, तो जैसे ही फल पे विचार कर रहा था तो वो देख रहा था अरे इसका फल तो यही होगा कि मुझे सुख नहीं मिलेगा, मुझे और दुखी बनना पड़ेगा, इसलिए वो क्या कर रहा था, कर्म को त्याग करने की बात कर रहा था। लेकिन जब गीता सुना, और विशेष रूप से ये जो श्लोक है अर्जुन के लिए एप्लीकेबल है, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर् मा ते संगोऽस्ति अकर्मणः, कि ये श्लोक अर्जुन के लिए उस परिस्थिति में बहुत अप्लाई होता है कि भगवान बोल रहे हैं कि तुम कर्म करो, फल को ध्यान में रखते हुए कर्म मत करो, क्योंकि कर्म करने से तुमको फल नहीं मिल रहा है, फल तो मैं तुमको अपनी कृपा से दे रहा हूँ, कर्म तुमको क्यों करना है, फिर मैं कर्म क्यों करूँ, ताकि तुम जो है इस संसार में बंधन में मत फंसो, धीरे धीरे अपनी चेतना को शुद्ध करके अपने धाम को प्राप्त कर सको।
क्योंकि कर्म करने का अधिकार उनको दिया गया है। इस प्रकार से इस श्लोक में ये एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलता है कि हमको कर्तव्य करना चाहिए, कर्म करना चाहिए, फल प्राप्त करने की इच्छा से नहीं। क्यों? क्योंकि वो फल हमारे कर्तव्य करने से नहीं मिलता है, भगवान की कृपा से मिलता है। जो कृपा से मिलती है हम उसको डिमांड नहीं कर सकते, है ना। वो मिल गया तो अच्छी बात है, कृतज्ञ रहना चाहिए भगवान के प्रति। कम मिला तो भी कृतज्ञ रहना चाहिए, अगर नहीं मिला तो भी कृतज्ञ रहना चाहिए। तो क्यों कृतज्ञ रहना चाहिए? क्योंकि नहीं मिला इसका मतलब भगवान हमारे जो पूर्व कर्म के जो पाप है उसको नलिफाई कर रहे, उसको शून्य बना रहे, हमको ना दे करके। या हमारे जीवन में दुख जो आता है तो हमारे पूर्व कर्म क्या, इसीलिए भागवत में ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो इस चेतना में रहता है, तत्तेनुकंपां सुसुभिक्षमाणा भुञ्जाने वात्मकृतं विपाकं यद्वाग्भूर्भुर्विदधं नमस्ते मुक्तिपदे सदाय भाव। ऐसा व्यक्ति है जो इस जीवन में जीता है इस भाई चेतना में कि मेरे जीवन में जो भी दुख आ रहा है वो मेरे ही जो है विपाकम, मेरे ही द्वारा ही पूर्व में जो पाप किए गए हैं उसके कारण ही मुझे इस संसार में अभी दुख भोगना पड़ रहा है। और ये समझते हुए भगवान को विददान नमस्ते, फिर भी भगवान को कृपा समझते हुए कि फिर भी भगवान मुझे स्वीकार कर रहे हैं, मुझे कर्म करने का अवसर दे रहे हैं, फल मुझे दुख मिल रहा है वो मेरे पूर्व कर्मों के पाप के अनुसार है, लेकिन मुझे फिर भी, मैंने इतने पाप किए हैं फिर भी भगवान इस जीवन में मुझे वापस से कर्म करने का मौका दे रहे हैं ताकि मैं अपना भविष्य संभाल सकूं। तो ये ध्यान में रखते हुए वो हमेशा हृदय से और शरीर से भगवान को प्रणाम करता है, धन्यवाद देता है भगवान, मेरे पूर्व कर्मों का मेरा जो फल है वो आप नलिफाई कर रहे हैं, शून्य कर रहे हैं, और साथ ही साथ में मुझे अवसर दे रहे हैं कर्म करने का, यानी पुण्य करने का, और विशेष रूप से भक्तों को तो भगवान भक्ति का कर्म करने का अवसर दे रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति हमेशा कृतज्ञता पूर्वक भगवान के चरण कमलों में प्रणाम करता है, और वही व्यक्ति जो होता है योग्य बन जाता है मुक्ति पदे सदाय का। वो मुक्ति के पद को यानी भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करने का उसका जन्मसिद्ध अधिकार हो जाता है। ब्रह्मा जी ये अपने प्रार्थना में ऐसा वर्णन करते हैं। तो ये वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो अब हम लोग थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ के चर्चा करते हैं। देर आर थ्री कंसिडरेशन हेयर डिस्क्राइब ड्यूटीज कैप्रिशियस वर्क एंड इन एक्शन, जो मैं ऑलरेडी बताया कि तीन प्रकार के कर्म होते हैं, कल हमने चर्चा किया था। प्रिस्क्राइब ड्यूटीज मतलब जिसको कर्म बोलते हैं, कैप्रिशियस वर्क मतलब विकर्म यानी पाप, और इन एक्शन मतलब अकर्म। प्रिस्क्राइब ड्यूटीज आर एक्टिविटीज इंजॉइंड इन टर्म्स ऑफ वंस एक्वायर्ड गुड्स एंड मटेरियल नेचर। कैप्रिशियस वर्क मीन्स एक्शन विदाउट द सैंक्शन ऑफ अथॉरिटी, एंड इन एक्शन मीन्स नॉट परफॉर्मिंग वंस प्रिस्क्राइब ड्यूटीज। द लॉर्ड एडवाइज दैट अर्जुन आर नॉट बी इनएक्टिव बट दैट ही परफॉर्म हिज प्रिस्क्राइब ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट। One who is attached to the result of his work is also the cause of the action. Thus, he is the enjoyer or sufferer of the result of such action. So, oh, screen में कोई लिखिए नहीं, ये तो बाधा उत्पन्न हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब कोई व्यक्ति फल को ध्यान में रखते हुए कर्म करता है तो उसकी चेतना में फल प्राप्त कि आसक्ति बन जाती है, और इसलिए उसको उस कर्म को करने के लिए फल फिर स्वीकार करना ही पड़ता है और वापस से जन्म लेना पड़ता है। और लेकिन जब कोई इस चेतना में कार्य करता है कि मेरा कर्म यानी भगवान का जो भी सेवा है या कर्म है, भौतिक कर्म हो या आध्यात्मिक कर्म, दोनों ये भगवान के द्वारा डिस्क्राइब्ड है, दिया गया है भगवान के आदेशानुसार, भगवान के तरीके से जब कोई कर्म करता है संसार में, और जो भी फल मिलता है भगवान की उसको कृपा समझ करके उसको इस्तेमाल करता है, लेकिन फल को अपने डिमांड नहीं करता, फल को प्राप्त करने के लिए कर्म नहीं करता, तो ऐसा व्यक्ति कर्म फल से अनासक्त हो पाता है, और वो ही व्यक्ति अपने आप को कर्म बंधन से छुटा सकता है, अपने आप को मुक्त कर सकता है। एज फार एज प्रिस्क्राइब ड्यूटीज आर कंसर्न दे कैन बी फिटेड इन टू थ्री सब डिविजन, नेमली रूटीन वर्क, एमरजेंसी वर्क एंड डिजायर्ड एक्ट। Routine work performed as an obligation in terms of scriptural injunctions without desire for results is action in the mode of goodness. Work with results becomes the cause of bondage. Therefore, such work is not auspicious. Everyone has his
proprietary right in regard to prescribed duties, but should act without attachment to the result. Such disinterested obligatory duties doubtlessly lead one to the path of liberation. यहाँ पे भी प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इस तीन प्रकार से व्यक्ति कोई कार्य कर सकता है, रूटीन वर्क, इमरजेंसी वर्क एंड डिजायर्ड एक्टिविटीज। रूटीन वर्क का मतलब कोई व्यक्ति स्क्रिप्चुअल इंजंक्शन के अकॉर्डिंग, शास्त्रों के अनुसार कार्य करता है लेकिन फल प्राप्त करने की इच्छा से नहीं करता है तो वो सतोगुण के कार्य कहलाते हैं। लेकिन जब कोई डिजायर्ड एक्टिविटीज करता है यानी कि फल प्राप्त करने की इच्छा से कार्य करता है तो वो बंधन में फंस जाता है। इसलिए व्यक्ति को जो है जो व्यक्ति इस चेतना में कार्य करता है, कर्तव्य समझ के कार्य करता है और फल को प्राप्त नहीं करना, ना करने की इच्छा से करता है या फल पे निर्भर ना होकर करता है तो कभी फल नहीं भी मिला तो भगवान को दोष ही नहीं ठहराता है, और अगर मिल जाता है तो कृतज्ञता रखता है, तो ऐसा व्यक्ति मुक्ति पथ के लिए योग्य बन जाता है। अर्जुना वॉज देयर फॉर एडवाइस बाय द लॉर्ड टू फाइट एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी विदाउट अटैचमेंट टू द रिजल्ट। इसलिए अर्जुन को भगवान ये प्रेरित कर रहे हैं कि अगर अर्जुन तुम युद्ध करोगे एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी, इसको कर्तव्य मान के कि ये कर्म तुमको दिया गया है, तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय है, पिछले कर्म अनुसार जिस गुण को प्राप्त किया अर्जुन, तो उसमें क्षत्रिय का जन्म मिला है, क्षत्रिय बना है, तो क्षत्रिय के अनुसार भगवान और शास्त्रों के द्वारा कुछ कर्तव्य निर्धारित किए गए, कर्म निर्धारित किए गए हैं, तो उस निर्धारित कर्म को अपना कर्तव्य समझते हुए करेगा तो फिर उसमें अर्जुन फंसोगे नहीं। तो His non-participation in the battle is another side of attachment. Such attachment never leads one to the path of salvation. Any attachment, positive or negative, is cause for bondage. Inaction is sinful. Therefore, fighting as a matter of duty was the only auspicious path of salvation for Arjun. अगर अर्जुन उस युद्ध को करता है as a matter of duty नहीं करता है, फल के ऊपर अगर कोई व्यक्ति विचार करते हुए कर्म करने की कोशिश करेगा तो कभी न कभी वो जो है उस फल से आसक्त होने के कारण कर्म को भी त्याग देगा, क्योंकि जब उस कर्म को करने से विपरीत फल की अनुभूति होगी तो उस फल को, उस व्यक्ति उस कर्म को त्यागेगा, और जैसे उस कर्म प्रिस्क्राइब ड्यूटीज को त्यागेगा तो उसको और बंधन में फंसना पड़ेगा, उस पाप लगेगा, उसका जो मुक्ति का द्वार है वो अपने आप बंद हो जाएगा। इसलिए इस श्लोक में ये महत्वपूर्ण शिक्षा है कि हमको जो कर्तव्य, निर्धारित कर्तव्य हमको मिला है, और निर्धारित कर्तव्य भी दो प्रकार के होते हैं, एक शारीरिक स्तर पे, भौतिक शरीर के स्तर पे, हम कोई व्यक्ति वैदिक सिस्टम के अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र होता है, उसको उसके अनुसार जो ब्राह्मण के क्षत्रिय के वैश्य के शूद्र के कर्तव्य होते हैं वो पालन करना चाहिए, और आध्यात्मिक स्तर पे जो कर्तव्य होते हैं आत्मा के, आत्मा का एक ही कर्तव्य है कि भगवान का सेवा करें, भगवान का नाम जप करें, तो उसका जो है कर्तव्य का पालन जो व्यक्ति करता है, और दोनों ही केस में रिजल्ट पे आश्रित नहीं रहता है, तो केवल कर्म इस प्रकार के कर्तव्य का पालन करने से उसका जो मुक्ति का द्वार है खुल जाता है और उस हर प्रकार के दुखों से अपने आप कर सकता है। सो इसी के साथ हम लोग इस श्लोक पे विराम करते हैं। इसी वक्त का कोई प्रश्न है तो जैसे आपने बोला कर्म करना है और फल की चिंता नहीं करनी है, तो अभी हम तो भौतिक जगत में लाइफ को सर्वाइव करने के लिए जो भी काम करते हैं, तो वो केसेस में कैसे हमें सोच विचार रखनी चाहिए? उस केस में भी यही सोच विचार रखना चाहिए कि आपका जो कर्तव्य है, कर्म है आपकी तरफ से, वो आपको पूरा करना चाहिए, और फल रिजल्ट के लिए भगवान को निर्भर रहना चाहिए। अगर कुछ रिजल्ट मिल जाता है तो उसका इस्तेमाल करके हमको अपना पालन पोषण और भगवान की सेवा करना चाहिए, और अगर रिजल्ट कम मिलता है तो उतने मात्रा में ही हमको करना चाहिए। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति सोचेगा कि मैं शायद कम कर कार्य किया हूँ इसलिए मुझे रिजल्ट कम मिल रहा है, तो अगर वो बहुत ज्यादा कार्य करेगा तो दो नुकसान है, एक तो उसका पूरा समय, एनर्जी और जो चेतना है, मन बुद्धि समय सब जो है भौतिक कार्य के लिए लग जाएगा और आध्यात्मिक कर्तव्य को नहीं कर पाएगा, वो बड़ा नुकसान हो जाएगा, और दूसरा वो इस प्रकार के बहुत सारे कार्य करके बहुत अगर फल प्राप्त कर भी लिया उस फल को वो भोग नहीं सकता है, क्योंकि पिछले जन्म के कर्म अनुसार जितना निर्धारित है इतना ही आपको रिजल्ट मिलने वाला है, तो वो फिक्स है, तो उससे एक्सेस, उससे हम जो भी एक्स्ट्रा प्राप्त करेंगे
तो किसी न किसी रूप में वो व्यर्थ में चला जाएगा। हरे कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूछना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जैसे नाम जप का और पूजा पाठ करने का मन ही नहीं करता, तो क्या करें? हाँ, इसीलिए तो भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि मात संगो अस्ति अकर्मणि, ना ही अपने इस कर्तव्य का पालन करने ना करने से आसक्त होना चाहिए। यानी मन की आसक्ति है पर हमारी इस कर्तव्य का पालन ना करने के प्रति आसक्त, यानी लेजी है जिसको बोलते हैं। तो इसलिए अगर जो भी व्यक्ति अपने आप को कर्म बंधन से मुक्त करना चाहता है और परम सिद्धि को प्राप्त करना चाहता है तो उसको इससे भी आसक्त नहीं होना चाहिए, यानी कर्मों को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। या हमको हमेशा जानना चाहिए कि अगर हम अपने भौतिक, जिस प्रकार से हम भौतिक कर्तव्यों का पालन अच्छे तरीके से करेंगे तो हम भौतिक रूप से व्यवस्थित रहेंगे और भौतिक सफलता हम प्राप्त कर पाएंगे। उसी प्रकार से अगर हम आध्यात्मिक कर्तव्यों का पालन अगर अच्छे से करेंगे तो आध्यात्मिक रूप से भी हम अच्छे से व्यवस्थित रहेंगे और आध्यात्मिक सफलता को प्राप्त करेंगे। किसी भी प्रकार के कर्तव्य का पालन अगर कम ही रखेंगे तो उसमें आपको फिर नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए इस बात इसे बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए बुद्धि इस प्रकार से जब विश्लेषण करेगा तो मन को फिर फोर्स मिलेगा कि हाँ, ना करने पर भी करना। जैसे कोई व्यक्ति बीमार है, उसको दवाई लेने का इच्छा मन नहीं करता, लेकिन बुद्धि इस्तेमाल करता है कि मैं दवाई नहीं लूंगा तो बीमारी और बढ़ जाएगी और ऐसी भी स्थिति आ सकती है, मुझे आईसीयू में जाना पड़ेगा, तो फिर क्या फायदा, ज्यादा खर्चा हो जाएगा, ज्यादा कष्ट मिलेगा शरीर को। इसलिए चुपचाप जो दवाई दिया है डॉक्टर, जितना डोज दिया उतना ले लेने का लेना चाहिए, वो कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अगर हम पूरा डोज नहीं करेंगे पालन तो फिर और बीमारी गहरी हो जाएगी और हमको एडमिट होना पड़ेगा, आईसीयू में ज्यादा खर्चा, ज्यादा कष्ट और ज्यादा दवाई लेना। उस प्रकार से मौका मिला है तो हमको आध्यात्मिक कर्तव्य का पालन, मन को ऐसे समझा के बुद्धि देकर करना चाहिए। प्रभु जी, जैसे कभी कभी बिना मन के इंसान पूजा करता है, इससे कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बिना मन के भी अगर कोई पूजा कर रहा है इसका मतलब बुद्धि से कर रहा है ना, बुद्धि इस्तेमाल किया है तभी तो कर रहा है ना। मन को इच्छा नहीं है लेकिन बुद्धि का इस्तेमाल करके भगवान का पूजा किया, यानी वो सिंसियरिटी और ईमानदारी है, भगवान उसको स्वीकार करेंगे। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण।